जलाशयों पर सघन पौधारोपण करने के लिए वन विभाग ने विस्तृत प्लान तैयार कर लिया है। छोटे बड़े बांधों, तालाबों, एनीकटों पर पौधारोपण किया जाएगा। दौसा में से लेकर डीएफओ वी केतन कुमार ने कहा कि जलाशयों की पाल के बाहरी हिस्सों पर घास लगाई जाएगी, जिससे कि जलाशयों में कटाव नहीं हो सकेगा और पानी की आवक भी बढ़ेगी। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है जिसमें ट्रेंचेस है, चेक डैम्स है, एनीकट्स है, तलाई है। इनके जो माउंट्स पे हम सीड सोइंग के थ्रू हम इस बार प्लांटिंग करेंगे। इसका पर्पस एक तो ये है, वहाँ का जो वाटर है, मॉइस्चर कंटेंट है, उसको बढ़ाने का है, एंड जो सरफेस रन ऑफ है उसको रोकने का है, एंड जो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे फॉर इंस्टेंस जो तलाई है, बांध है, वहाँ पे जो पानी रुकेगा, वहाँ पे ऐसे स्पीशीज़ भी हम प्लांटिंग करेंगे जहाँ पे जो बर्ड्स हैं नेस्टिंग भी कर पाएँ और फिर उनको फॉडर भी मिले, जैसे फाइकस के स्पीशीज़ है एंड अकेशिया के स्पीशीज़ है, इनको भी हम इंक्लूड करेंगे। आउटसाइड ग्रास ग्रासेस, ग्रास के सीड्स भी हम, क्योंकि लोकल का जो डिपेंडेंस है, लोकल विलेजेस का मेनली फॉरेस्ट पे, ग्रासेस पे डिपेंडेंट रहता है, तो ग्रासेस के सीड्स को भी हम इस बार बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से थ्रू सीड सोइंग हम ग्रासेस को लगाएंगे। कैसे लगेगा?